कलेक्टर ने जीवाणा अनार मंडी पहुंचकर किसानों व व्यापारियों से की चर्चा। जालौर जिला कलेक्टर महोदया नम्रता वृष्णि गुरुवार को जीवाणा स्थित अनार मंडी पहुंची, जहां उन्होंने अनार व्यापारियों एवं किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को जाना। कलेक्टर वृष्णि ने अनार मंडी जीवाणा की व्यवस्थाओं को देखा तथा उपस्थित अनार व्यवसायियों व कृषकों से मिलकर अनार की खेती, संग्रहण, रख रखाव, विक्रय आदि प्रक्रियाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा के अनुरूप सायला में अनार कृषि मंडी की स्थापना होने पर अनार उत्पाद के संबंध में किसानों के लिए प्रचुर संभावनाएं बढ़ेगी, साथ ही एग्रो टूरिज्म के रूप में क्षेत्र का विकास हो सकेगा। उन्होंने कृषकों के खेतों पर पहुंचकर किसानों से अनार खेती की नवाचार पद्धतियों के बारे में आवश्यक जानकारी ली एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों की हर संभव मदद के लिए तत्पर रहने की बात कही। उन्होंने कृषकों व व्यापारियों की वित्तीय लेन देन के लिए बैंक सुविधा की मांग पर इसका शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान सैला उपखंड अधिकारी सूरजभान विश्नोई, जीवाणा उप तहसीलदार चमनलाल, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक VR सोलंकी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वहीं कलेक्टर ने दूधवा में अनार के बगीचे का अवलोकन भी किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट में सैला क्षेत्र में अनार मंडी की घोषणा की है, जल्द ही जमीन का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया जाएगा। अनार मंडी खुलने से किसानों व व्यापारियों को सहूलियत होगी व जीवाणा में बैंक भी जल्द खोल दिया जाएगा। इस मौके पर किसानों ने जीवाणा में ही अनार मंडी खोलने की मांग की। हमें पता है कि कल बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सायला में एक अनार मंडी की घोषणा करी है, क्योंकि यहां आसपास में सभी जगह पे अनार का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था, तो इस मंडी से किसानों को काफी सहूलियत होने वाली है और मंडी में उन्हें सारी इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज मिल जाएंगी, बैंकिंग फैसिलिटीज हो जाएंगी और किसान को भी और ट्रेडर को भी एक सेफ्टी का एनवायरनमेंट रहेगा। जी मैम, ये मंडी कब तक स्थापित हो पाएगी? इसमें जो लैंड का आइडेंटिफिकेशन वगैरह हो गया है, प्रस्ताव जल्दी से जल्दी सरकार को भेज दिए जाएंगे ताकि शीघ्र अतिशीघ्र ये शुरू की। यानी ये जीवाणा में ही होगी या सायला क्षेत्र में और कहीं होगी? इसके लिए लैंड आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट के जैसे भी नॉर्म्स होंगे उस हिसाब से किया जाएगा। जी, और मैम यहाँ किसानों की मांग है कि जीवाणा क्षेत्र बहुत बड़ा हब है अनार का, तो जीवाणा क्षेत्र में हो तो सहूलियत रहेगी किसानों के लिए। हिसाब से हम देखेंगे लैंड की अवेलेबिलिटी और जो बाकी लॉजिस्टिक्स होती है। और बैंक वाला मैम, ये काफी समस्या आ रही है किसानों को, एक बार मंडी खुल जाएगी तो एनीवेज बैंक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और अभी ये आज ही मुझे कहा है तो इसको भी रिजॉल्व करेंगे। ओके मैम, थैंक यू। 10 किलो का डब्बा होता है, कितने बेचोगे? 700-800 रुपए से 1200-1500 रुपए तक बीज बिक जाता है। पीछे वो बताओ आपका ये कतरन का हिसाब, मैडम कुछ कतरन का भी जो है ना, ये 35 रुपए कॉस्ट आती है कतरन, ये 35 रुपए किलो आता है कतरन। ये कहाँ से ला रहे हो? ये अभी महाराष्ट्र से आ रहा है कतरन। क्यों, ये यहाँ नहीं मिलती क्या? यहाँ नहीं मिलती ना। क्या बात कर रहे हो? मशीन नहीं लगाया अभी तक। इसका किलो का भाड़ा 5 रुपए लगता है, नजदीक वाला अगर मिलेगा तो कोई रेल का होगा तो बहुत हिसाब से हो जाएगा, अभी ट्रांसपोर्ट में तो बहुत। यहाँ से महाराष्ट्र चेन्नई की ट्रेन नहीं है, अपनी ट्रेनें बस जाओ। फालना क्यों नहीं यूज करते आप लोग? यार यहाँ से भी कोई ट्रेन यहाँ से तो जाएगी नहीं कहीं। चालू काटा ले लेते 360 ग्राम है, वो भी मैंने 350 का कहा था, 350 का। जयपुर तो नहीं वाली क्वालिटी काटने से उसके दाने कटने होते हैं। ये टेक्निक काफी लोग जानते हैं, हम तो ऐसे काट देते हैं घर में। कोई जूस नहीं कर पाए, छिड़ से काटते ना वो दाने कट हो जाते, सारा चिपचिप हो जाता है हमारा।
एक बूट नहीं निकला तो इसको ये जो सफेद रेस रहते ना उससे खाली रेस मारो बीच वाला निकाल करके थाली के अंदर या उसमें डालेंगे ना पीछे से टपका करेंगे तो पूरा खाली हो जाएगा।